सो टुडे आई एम शूटिंग दिस बीस्ट लैम्बोर्गिनी गलार्डो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की चाबी है। इसमें डोर लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन दे रखा है। जैसा कि हम ये बटन दबाएं, इट्स ओके। गाड़ी में की इग्निशन है, स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ ये गाड़ी नहीं आती है। और इससे कोई मतलब नहीं होता, अगर कोई लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है तो उसको इससे कोई मतलब नहीं होगा कि इसमें स्टार्ट और स्टॉप बटन आता है या की इग्निशन आता है। तो जैसा कि मैं अभी भैया को वापस ये चाबी देता हूँ, थैंक यू सो मच भैया। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी में LED DRLs के साथ प्रोजेक्टर सेटअप दे रखा है विद अ हेलोजन इंडिकेटर बल्ब। ये DRLs हैं इन अ शेप ऑफ Y और प्रोजेक्टर सेटअप के साथ ही गाड़ी आई हुई है। इधर बहुत ही बड़ी सी बैजिंग दे रखी है लैम्बोर्गिनी की और इधर लग्जरी राइड ने अपनी एक प्लेट लगा रखी है। नीचे गाड़ी के एयर कर्टन्स दे रखे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है, ना कि दूसरी गाड़ियों की तरह फेक। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है और ये गाड़ी कन्वर्टेबल है LP550 स्पाइडर गलार्डो। गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी स्लीक साइड प्रोफाइल है, लैम्बोर्गिनी जैसे आप जानते हैं किस लिए, अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है, और शानदार सी इसकी साइड प्रोफाइल है। गाड़ी के आगे के टायर साइज़ की बात करें तो लो प्रोफाइल टायर साइज़ के साथ ये 235/35 19 इंच के अलॉय व्हील्स पे गाड़ी रन करती है। येलो कैलिपर्स के साथ आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक्स है। इधर लैम्बोर्गिनी के एक और बैजिंग दे रखी है। बॉडी कलर्ड ORVMs नहीं मिलते हैं इसमें, इसमें ब्लैक कलर के मिलते हैं ऑब्वियसली। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर एयर कर्टन्स भी हैं गाड़ी को और ज़्यादा स्मूथ रन देने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं, इधर भी एयर कर्टन का दे रखा है। पीछे की साइड में इस गाड़ी का इंजन होता है। और पीछे के टायर साइज़ की बात करें तो पीछे के टायर साइज़ की बात करें तो 295/30 19 इंच के अलॉय व्हील्स, अलॉय व्हील्स सेम है बट जो टायर का साइज़ है वो डिफरेंट है, 295/30 साइज़ है टायर का। पीछे भी डिस्क ब्रेक्स हैं और येलो कैलिपर्स के साथ लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ, बहुत ही शानदार फील आ रहा है इसको देख के। LP550 गलार्डो स्पाइडर 2 की बैजिंग इधर दे रखी है। लैम्बोर्गिनी में मैं हमेशा एक चीज़ में कंफ्यूज रहा हूँ कि इस गाड़ी में हम नाम कहाँ से देखें। आज की जो, जैसे आप देख सकते हैं, इस फ्रंट प्रोफाइल को देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसमें लैम्बोर्गिनी गलार्डो का फील है और ये लैम्बोर्गिनी गलार्डो है। डोंट कोट मी ऑन दिस बट आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट लैम्बोर्गिनी इन जयपुर। और मतलब जैसे मैं कन्फ्यूज़न की बात कर रहा था, तो कन्फ्यूज़न की बात मैं इसीलिए कर रहा था क्योंकि मेरे को हमेशा पता नहीं चलता था कि लैम्बोर्गिनी का नाम लिखा हुआ काफ़ी रहता है, जैसे एवेंटाडो, हुराकन, हुराकन ईवो, काफ़ी सारी लैम्बोर्गिनीज। गाड़ी की बैक प्रोफाइल की बात करें, गाड़ी में फ्यूल लिड इधर दे रखा है। इधर इंजन के लिए वेंट्स इधर दे रखे हैं सारे के सारे। बैक प्रोफाइल की बात करें तो पीछे LED सेटअप के साथ पूरी बैक लाइट आती है। 4 एग्जॉस्ट इधर गाड़ी में दे रखे हैं और ये सारे फंक्शनल हैं दूसरी गाड़ियों की कॉपी करके। जैसे दूसरी गाड़ियाँ फेक एग्जॉस्ट लगाती हैं, लैम्बोर्गिनीज कभी भी फेक एग्जॉस्ट नहीं लगाती हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, पीछे एक स्पॉइलर दे रखा है विच इज़ वेरी फंक्शनल। गाड़ी कन्वर्टेबल है तो उसका भी अपना अलग एक फील होता है। साइड प्रोफाइल की बात हो ही गई थी, LP550 की बैजिंग उधर दे रखी है, बहुत छोटी सी। लैम्बोर्गिनी का बड़ा बड़ा इधर लोगो दे रखा है। गाड़ी की अगर इंजन की हम बात करें तो गाड़ी का इंजन 5.2 लीटर्स का मैसिव इंजन है जो 552 BHP की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और 540 ऑफ न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6400 RPM पे। गाड़ी की टॉप स्पीड जाती है 340 तक बट आई थिंक गाड़ी अराउंड 300 तक टच कर जाती होगी बहुत ही आराम से। और मतलब क्या ही फील होगा, अभी इस गाड़ी को चालू करने की परमिशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और क्योंकि अभी शोरूम में है, लैम्बोर्गिनी है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ गया। ये वीडियो मतलब अराउंड मेरे चैनल का अभी तक सबसे बड़ा वीडियो और सबसे शानदार वीडियो बनने वाला है। और जैसा कि हम बात करें, जैसा आप देख सकते हैं, वाओ, सीरियसली व्हाट अ कार, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। लैम्बोर्गिनी के इंटीरियर्स की बात करें तो सामने ही आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, बीच में आपको एक 3 इंचेस की डिस्प्ले भी मिल जाती है।
साइड में देखिए तो एनालॉग में 340 की टॉप स्पीड दिखी हुई है, और इधर इंटीरियर जैसा आप देख सकते हैं बीच में आपको छोटी सी 5 इंचेस की एक डिस्प्ले भी दी जाती है सारे के सारे कंट्रोल्स के साथ। हैंड ब्रेक का प्लेसमेंट इधर है, और इधर एक कप होल्डर दे रखा है, इधर पीछे की लाइट्स और ऑन ऑफ करने का भी फंक्शन दे रखा है। जैसा आप देख रहे हैं सीटों की क्वालिटी, ओ माय गॉड, सीटों की क्वालिटी बहुत शानदार है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इधर एसी के सारे वेंट्स दे रखे हैं, उधर जो स्टाइल होती है लैम्बोर्गिनी की, जो इधर मीटर्स होते हैं बाकी के, वो उधर दे रखे हैं। एयरबैग्स का फंक्शन उसमें दे रखा है, लैम्बोर्गिनी की बड़ी बड़ी बैजिंग लिखा हुआ है उधर। और सीट्स के ऊपर भी अटेंशन टू डिटेल पे ध्यान दीजिए, सीट्स के ऊपर भी लैम्बोर्गिनी का स्टिचिंग मोड में सारा लिखा हुआ है। येलो कलर की लैम्बोर्गिनी हमेशा काफ़ी स्पेशल रही है। हम सारे गेम्स में भी लैम्बोर्गिनी ही चलाया करते थे, जैसा आपको याद होगा GTA, और जो मेरी हम उम्र के लोग हैं उनमें। गाड़ी की साइड प्रोफाइल में जितना भी देखूं, टू बी ऑनेस्ट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी लैम्बोर्गिनी को देख रहा हूँ, और सच्ची में ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड, जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन के देख रहे हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा फंबल हो रहा हूँ अभी, बट क्या करें, इतनी एक्साइटेड गाड़ी सामने होगी तो और क्या करेगा इंसान। शोरूम के जो भैया लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे कि मैं गाड़ी को खोल सकता हूँ, और जैसा कि उन्होंने खोल दी तो आप देख सकते हैं गाड़ी के डोर्स कितने वाइड खुलते हैं। ओ माय गॉड, गलाडो की बैजिंग इधर दे रखी है, इधर से मैनुअल शिफ्टिंग गियर की इधर दे रखी है, सारे वाइपर कंट्रोल्स इधर दे रखे हैं और लाइट कंट्रोल्स उधर दे रखे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीरियर्स के बारे में, और देख लीजिए और पास में से देख लीजिए, ओ माय गॉड, लैम्बोर्गिनी की बैजिंग। इधर से रूफ़ कवर करने का स्विच दे रखा है, स्टार्ट स्टॉप और कॉर्सा जो इसका स्पोर्ट्स मोड होता है उसका बटन भी दे रखा है। लैम्बोर्गिनी के इंटीरियर्स पे कौन ध्यान देता है यार जब कोई लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है, बट अब लैम्बोर्गिनी के इंटीरियर्स बहुत शानदार आने लग गए हैं, और मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी इतनी शानदार है। देखा अभी मैंने लैम्बोर्गिनी गलाडो का वीडियो बनाया, तो आई सीरियसली वांट टू थैंक्स द स्टाफ ऑफ दिस शोरूम जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मतलब काफ़ी काइंड है, जिन्होंने मेरे को अलाउ किया शोरूम में शूट करने के लिए। सो भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरे को शूट करने दिया इसमें और मेरे को एक्सपीरियंस लेने दिया। इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं लैम्बोर्गिनी मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और आप मेरे को बता सकते हैं कि ये शायद जयपुर की पहली लैम्बोर्गिनी है? हाँ, इट कैन बी प्रीओन्ड मार्केट में हो सकता है। ओके ओके, इससे पहले कुछ, इससे पहले एक भी लैम्बोर्गिनी जयपुर में आई नहीं है, और डोंट कोट मी ऑन दिस, आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती, बट मेरी नज़र में लैम्बोर्गिनी पहली है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आगे तो आप जानती हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मैं इतना ही बता पा रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में, काश मैं इस गाड़ी को चालू करके देख सकता, बट क्या है ना कि ये शोरूम में खड़ी है और शोरूम में थोड़ा रिस्क हो सकता है गाड़ी को चालू करने में। और मतलब इस गाड़ी को शूट करने में मेरे को इतना मज़ा आया है कि मैं क्या बताऊँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये पूरी की पूरी गाड़ी, और आई एम सीरियसली फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू शूट दीज ब्यूटीज़, और बहुत मजा आने वाला है, और आगे वीडियोस आते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।